मेरे दोनों संदेश हैं, प्रिय प्रदेशवासी बहनों और भाइयों, डरने की जरूरत नहीं है, हम मुकाबला करेंगे, लेकिन सावधान रहने की जरूरत। हम कोरोना हर हालत में कंट्रोल करें, लेकिन बिना प्रदेशवासियों के संभव नहीं है, और उसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। मास्क लगाना ही है, जिन 10 जिलों में 10 बजे दुकान बंद होना है मतलब होना है, जहां जरूरत पड़ी आपके लिए सख्ती की जाएगी। लेकिन मेरा आग्रह यह है कि हमारे पड़ोस में बहुत भयावह स्थितियां हैं, उसका अंतर पड़ता ही है। आज शाम को कुछ और फैसले लूंगा मैं। आज मेरी कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, आईजी, सीएमएचओ, डीन मेडिकल कॉलेज, शाम को सबके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, पूरी परिस्थितियों पर विचार करके कुछ और फैसले लिए जाएंगे। कुछ फैसलों पर पुनर्विचार होगा कि 1 अप्रैल से स्कूल खोलें कि नहीं खोलें, पुनर्विचार की जरूरत है। और अगर सख्त कदमों की जरूरत होगी तो हम सख्त कदम भी उठाएंगे, लेकिन सख्त कदम भी उठाएंगे तो लोगों के जीवन के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए उठेंगे। मेरा सब बहनों और भाइयों से आग्रह है कि कोरोना की गाइडलाइन का अक्षर सा पालन करें। मैं आर्थिक गतिविधियां रुकने नहीं दूंगा, क्योंकि उसके कारण गरीब की रोजी रोटी जाती है, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन का सख्ती से अगर हम पालन करेंगे तो हम इसको कंट्रोल कर लेंगे।